दोस्तों दीपावली का त्यौहार प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। इस बार यह पावन पर्व 27 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं, लेकिन इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि दीपावली के दिन हम ऐसे काम भूलकर भी ना करें जिससे आपके घर से माँ लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाएं। आइए जानते हैं दीपावली के इस पावन पर्व पर हमें कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए बिना स्नान किए फूल ना तोड़ें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे रूठ सकती हैं, इसलिए स्नान करने के बाद स्वच्छ और धुले वस्त्र पहनकर ही पत्ती और फूल तोड़ें। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन में ताजे फूलों का प्रयोग करें। माँ लक्ष्मी को बासी फूल या घर के फ्रिज में रखे एक दिन पूर्व के फूल ना चढ़ाएं। दोस्तों दीपावली के 5 दिवसीय त्योहार में हर किसी का बजट गड़बड़ा हो सकता है। ऐसे समय में अपने मन को शांत रखकर त्योहार की खुशी का इजहार करें और इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के साथ साथ घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अति आवश्यक है, इसलिए इस दिन जाने अनजाने में किसी भी बुजुर्ग का अपमान ना करें। दोस्तों माना जाता है कि दीपावली की रात घर में मां लक्ष्मी जी का आगमन होता है। ऐसे में मां लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए हमें दीपावली की रात सोना नहीं चाहिए, बल्कि रात्रि जागरण करके मां लक्ष्मी की स्तुति करनी चाहिए और लक्ष्मी चालीसा मंत्र, लक्ष्मी सूक्त आदि का पाठ एवं जप करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दीपावली के दिन भूलकर भी अपनी भार्या यानी पत्नी या किसी अन्य स्त्री के साथ सहवास ना करें और ना ही मन में किसी भी प्रकार की कोई काम भावना आने दें। दोस्तों दीपावली पर उपहार देने और लेने का चलन है, इसलिए इस दिन किसी को भी भेंट देते समय भेदभाव ना रखें। अगर आप भेंट देते समय मन में अच्छे भाव नहीं रखेंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ सकती हैं और फिर आप माँ लक्ष्मी के कोप भाजन से बच नहीं पाएंगे। माँ लक्ष्मी जी को नशा करने वालों से सख्त परहेज है, इसीलिए दीपावली के दिन किसी भी प्रकार का नशा ना करें। नशा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती। दोस्तों कई स्थानों पर दीपावली की रात जुआ खेलने की प्रथा है। इस बारे में कोई भी तर्क हो, लेकिन अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा अपने घर में बनाए रखना चाहते हैं तो दीपावली के दिन कभी भी जुआ ना खेलें। दीपावली पर अपने द्वार पर आए व्यक्ति को खाली हाथ ना जाने दें। फिर चाहे वो भिखारी हो या अन्य कोई मांगने वाला, उसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ अवश्य दें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।